प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट। क्लास है 5th, सब्जेक्ट है बच्चों सोशल स्टडीज़ एंड वीक है 11। बच्चों, आज का जो चैप्टर है 11 कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड हम वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, डियर चिल्ड्रन, ह्यूमन एंड एनिमल ऑल नीड टू कम्युनिकेट। देखिए बच्चों, चाहे जानवर हो, एनिमल्स हो या चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सभी बच्चों क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब बच्चों, उनका मीडियम सबका अलग अलग होता है कि वो किस तरह से बात करते हैं। गेस्चर्स, सिंबल्स एंड लैंग्वेज आर यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए बच्चों, गेस्चर इशारों से, सिंबल्स से, ठीक है, लैंग्वेजेस से जो बातें हैं वो एक दूसरे से करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, अलग अलग टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई ह्यूमन नीड्स कम्युनिकेशन। बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन करने की क्या ज़रूरत होती है? तो बच्चों, इसलिए ताकि वो अपने जो थॉट्स हैं, जो मैसेज हैं, वो एक दूसरे तक पहुँचा सके। तो यहाँ लिखेंगे Human needs to communicate so that they can convey their thoughts or messages टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डू एनिमल एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। बच्चों, एनिमल्स और बर्ड्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो बच्चों, अलग अलग साउंड्स निकाल करके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट with each other by making different types of sounds. Okay students, next question देखिए बच्चों, next question हमारा क्या है? हाउ डज़ अ बेबी कम्युनिकेट विद हर मदर। बच्चों, एक छोटा बेबी जो होता है वो अपनी मदर से किस तरह से कम्युनिकेट करता है? तो बच्चों देखिए, वो रो के अपनी फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, रो कर बताता है कि उसे किस चीज़ की नीड है, ताकि उसकी मदर उससे ईजिली समझ सके। तो यहाँ लिखेंगे अ बेबी एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स by crying. It is only by his crying that his mother understands that he is hungry or has any other problem. बच्चों देखिए, कभी भी कोई भी छोटा बच्चा रोता है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो मदर है उसको ईजीली पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो क्या कहना चाह रहा है या उसे किस तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ 4 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बच्चों देखिए, 4 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, मोबाइल, टेलीविज़न, जिनसे हमें बच्चों मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, ये सभी बच्चों क्या हैं, मास ऑफ कम्युनिकेशन। विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट।
तो बच्चों कौन से सिविलाइजेशन जो है उसने स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था, तो बच्चों सुमेरियन सिविलाइजेशन ने, ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हेन सेवरल लैंग्वेजेस हैव द सेम ओरिजिन अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ दोज ओरिजिन इज फॉर्म्ड। बच्चों व्हेन सेवरल, अलग अलग लैंग्वेज की जब सेम ओरिजिन होता है, जब एक ही ओरिजिन से अलग अलग लैंग्वेजेस निकलती है, ठीक है, द अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ दोज लैंग्वेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नेम फॉर लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। बच्चों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की फोर लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो देखिए बच्चों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ठीक है बच्चों, ये जो हैं द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेजेस हैं। नेम फोर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो बच्चों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो देखिए बच्चों आप सभी को पता है हिंदी, पंजाबी, गुजराती एंड संस्कृत, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग। यहाँ बच्चों आपको लैंग्वेज दी गई है और लैंग्वेज फैमिली आपको बताना है, हिंदी इंडो यूरोपियन अभी हमने पढ़ा, स्पेनिश यूरोपियन, तमिल, ड्रेविन एंड मणिपुरी सिनो तिब्बतियन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप सभी को ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप सभी वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों आप सभी लाइक बटन ज़रूर दबाइए, लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।